बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, इतना अच्छा वेलकम हुआ यहाँ पर हमारा। दरवाज़ा इस तरीके से खोला गया बिल्कुल वीडियो बनाने के, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है एक रूम दिखा दिया है, ये पोर्शन यहाँ पर जो है आप इस पोर्शन को जो है वो टीवी लाउंज भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप जो है अपने गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, तो दोनों काम हो सकते हैं। फैमिली गेस्ट रूम जो होता है वो बना सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ आप लोगों को लेकर किचन की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है किचन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप देख सकते हैं स्टाइलिश बना हुआ है। इसका एक शीशा जो है चूल्हे का जो है वो कह रहे थे कि मजदूर के हाथ से जो है वो टूट गया है, तो वो लगेगा। यहाँ पे हम जो है वो दूसरे रूम के अंदर आ गए। कबर्ड वगैरह आप लोगों को हर चीज़ जो है, ये बेडरूम है और ये इसमें कबर्ड वगैरह हर चीज़ जो है डेकोरेशन वॉल की हुई हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी अटैच वॉशरूम है इसके साथ, वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया। खैर, लेकिन यहाँ पर मैं आ गया हूँ दूसरे रूम की तरफ। दूसरा रूम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं एंट्रेंस हो रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है अटैच मतलब गैलरी है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे वॉशिंग एरिया है काफ़ी अच्छा, तो यहाँ पे आप वॉशिंग एरिया मतलब कोई कपड़े वगैरह धोने हो तो, मतलब कोई काम करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आप एरिया देख सकते हैं जो जो किचन के साथ जो है हमारे पास जो है वो टीवी लाउंज लगा हुआ है। तो यहाँ से हम जो है वो आगे जा रहे हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई ये पोर्शन के बाद जो है, अब ये सामने वाला जो हमारा पोर्शन है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बेडरूम 3, ये तीसरा बेडरूम है। मैंने आप लोगों को 3 ड्राइंग रूम, सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं जो